एस एंड डेकोर के ओनर मिस्टर नरेश जी के साथ, तो आइए हम इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। सर, आपको IHF एक्सपो में आकर कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है और क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे नए जुड़े हुए हैं। अगर मैं ये चाहूँगा कि अगर ये दिल्ली की जगह बॉम्बे हो तो उसमें एक्सप्लोर हमारे को ज़्यादा मिलेगा। सर, आपका ब्रांड किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाता है? वी डील इन द कर्टन्स, बेड शीट्स, दोहर एंड रेडीमेड कर्टन्स आल्सो। सर, आपकी जो ब्रांड है कौन कौन से स्टेट में है? सर, हम लोग ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में प्रेजेंट है। हाँ, जितने भी सब जगह पे, लगभग हर जगह पे हमारा गुड जाता है। तो सर, ये अब्रॉड में भी रीच है आपकी? नहीं, हमारी अब्रॉड में रीच नहीं है। राइट नाउ वी आर जस्ट डूइंग डोमेस्टिक मार्केट। यस। तो सर, IHF एक्सपो के बाद आपको क्या लगता है, आपकी अब्रॉड में रीच बढ़ सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? मे बी लेट्स सी, बिकॉज अभी तक तो इतने इंटरनेशनल क्लाइंट्स यहाँ पर आए नहीं है। जनरली एक्सपोर्ट के ओरिएंटेड पीपल आर जनरली फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। सर, आप IHF एक्सपो के ऑर्गेनाइजर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कोऑपरेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनको भी फीडबैक दिया हुआ है, वो भी फीडबैक अच्छे से ले रहे हैं। अगले टाइम बोला वो, इनका भी शायद मेरे ख्याल से फर्निशिंग लाइन में फर्स्ट एक्सपीरियंस होएगा। तो आपकी एक्सपेक्टेशन से आप मीट हो गई जितनी आप सोच के आए थे? आई विल से 95%। तो सर, कुछ शॉर्ट मैसेज फॉर IHF एक्सपो की हर साल होना चाहिए? हर साल होना चाहिए, मगर मैं फिर वापस ये बोलूँगा, अगर ये बॉम्बे में लेके आए तो विल बी मोर हैप्पी। थैंक यू सर। थैंक यू।